कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज हम बनाने लगे हैं सिंधी बिरयानी। बहुत ही सिंपल और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है ये जो मैं आज बनाने जा रहा हूँ, और कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, आप सब बना सकते हैं। और बिल्कुल जैसे बाज़ार का टेस्ट होता है वैसा ही होगा, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये घर में और बड़ी हाइजेनिक और अच्छे इंग्रीडियंट्स में बनेगी। ज़्यादा इसमें मसाले यूज़ नहीं करेंगे हम। और जो हमने यूज़ किया है ये 1 kg चिकन है। ये 3 ग्लास मेजरमेंट के हिसाब से 250 ml का ग्लास है ये। इसमें मैंने बासमती राइस यूज़ किए हैं। राइस आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। टमाटर 4 मैंने चॉप कर लिए हैं, और 3 आलू हैं, 2 प्याज यूज़ किए हैं मैंने, बाकी 1 प्याली दही है, और एक आधी प्याली ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये 2 चम्मच बड़े लाल मिर्च है, ये क्रश्ड है, फ्लेक्स में है, पाउडर नहीं है। और ये लाहौरी नमक मैंने यूज़ किया है। ये आलू बुखारे हैं, और ये बिरयानी मसाला है। ये बिरयानी मसाला मैंने खुद बनाया है, बाज़ार का नहीं है। इसको मैंने ब्लेंडर के अंदर, मिल के अंदर खुद मसाला बनाया है। इसके इंग्रेडिएंट्स में मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आप मसाला देख सकते हैं, ये बिल्कुल घर में तैयार किया मैंने खुद। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मैंने चीज़ें यूज़ की हैं, इसमें मैंने ये लाहौरी नमक यूज़ किया है, काला नमक भी इसमें यूज़ किया है, सुरख मिर्च पाउडर है, और इसमें आलू बुखारे भी डाले हैं मैंने, और इसमें धनिया जो होता है, धनिया पाउडर वो यूज़ किया मैंने इसमें, हल्दी है, ज़ीरा है, दालचीनी है, लौंग है, बाकी इसमें अदरक पाउडर है, काली मिर्च है, अजवाइन यूज़ किया मैंने, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, और एक ब्लैक कलर की बड़ी इलायची होती है वो भी यूज़ किया है। और ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये घर में तैयार है, आप इसको बनाएं, बहुत बेहतरीन रेसिपी है ये। बाकी ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये मैंने सिंपल सी चीज़ें यूज़ की हैं। बाकी इसमें अगर आप ये देखें, गार्निशिंग के लिए मैंने ये पुदीने के पत्ते हैं, मिंट लीव्स चॉप कर लें, ये कोरिएंडर है, धनिया, ये लीमू मैंने पतले स्लाइस में काट लिए, और ये हरी मिर्चें हैं। लोग बिरयानी बनाने के लिए पहले कोरमा तैयार करते हैं, सालन टाइप वो चीज़ बन जाती है, फिर उसको तहे लगाते हैं। मेरा ये प्रोसीजर नहीं है, मैं शुरू से मैरिनेटेड वाली बिरयानी बनाता हूँ। चिकन को मैं मैरिनेट करके रख देता हूँ और फिर इसको फ्राई करता हूँ, और ये प्रोसीजर मैं आज आपको बताऊँगा। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, बिल्कुल जैसे बाज़ार में फ्लेवर आता है वैसे ही आप घर में बनाएं अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ। चलें स्टार्ट करते हैं। आप एक नॉनस्टिक कढ़ाई लें, उसमें 1.5 कप ऑयल डाल दें। ऑयल ज़्यादा इसलिए डाला है कि बाद में हम निकाल लेंगे। इसमें हमने प्याज फ्राई करने, अब हम इसमें अपने प्याज डाल देंगे। ये देखिए हमने इसमें प्याज डाल दिए हैं, और ये गोल्डन ब्राउन करने हैं। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हम इनको निकाल लेंगे। बहुत अच्छे फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हमने निकालनी है। और ये अब हम सिर्फ तब यूज़ करेंगे जब हमने गार्निशिंग करनी होगी बिरयानी की, दम लगाने से पहले करेंगे चिकन की मैरिनेशन। और वो मैरिनेशन किस तरीके से होती है, सबसे पहले ये दही आप इसमें डाल दें, 1 प्याली दही डाल दें। इस दही में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। अब इसमें हम अपना मसाला सारा शामिल कर देंगे, आलू बुखारे भी साथ में शामिल कर देंगे। ये नमक शामिल कर देंगे इसमें, 1, और ये 2 चम्मच, और ये हम इसमें लाल मिर्च शामिल कर देंगे, ये 2, और ये हाफ। अब इसको अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, मिक्स कर लें। ये हमारा बिरयानी के चिकन का मैरिनेट तैयार हो गया। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, हाथ मेरे वॉश्ड हैं, अब इसको अच्छी तरह हाथ से मैरिनेट करेंगे। ये आप देख सकते हैं चिकन मैरिनेट हो गया है। आप इसको घंटे या 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इसमें अब हम उससे पहले अब हम इसमें आलू डाल देंगे, आलू भी मैरिनेट में ही शामिल हो जाएंगे। ये देखें, ये आलू भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं, इसको भी हम थोड़ा सा मैरिनेट में शामिल कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे।
मिनट करके रख दिया था। अब हम अपने बिरयानी के राइस बॉईल करना स्टार्ट करेंगे। चिकन को भी मैरिनेट हुए हुए 1 घंटा हो चुका है, तब तक हम अपने राइस भी बॉईल कर लेते हैं। और ये राइस देखें कितने अच्छे सोख हो गए हैं पानी के अंदर। और जो राइस बॉईल करते वक्त हमने स्पाइसेस डालने हैं, ये ज़ीरा, लौंग, ये बड़ी इलायची है और ये दालचीनी है। ये एक देगची में पानी रख दें, ये 2 लीटर पानी है, और इस पानी के अंदर ये सारे स्पाइसेस शामिल कर दें जिसमें हमने राइस बॉईल करने हैं। और जब पानी बॉईल होने लगेगा फिर हम इस पर अपने राइस शामिल कर देंगे। जब तक पानी बॉईल हो रहा है इसमें हम 1 चम्मच नमक भी शामिल कर देंगे। मैरिनेटेड हो चुका है और मसाला बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर चुका है और ये चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छा बन गया। अब हम चिकन को निकाल के फ्राई करेंगे। जिस कढ़ाई में हमने प्याज फ्राई किए थे उसी कढ़ाई में हम दोबारा से चिकन फ्राई करेंगे। चिकन को मैरिनेट हुए हुए 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, या बड़े एहतियात से उठाएं और इसको ऑयल में डालते रहें। ऐसे हम सारा चिकन कढ़ाई में डाल देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने चिकन डाल दिया इसमें। चिकन मैं अच्छी तरह फ्राई कर लूँगा और जो ये रिमेनिंग मसाला है ये मैं बाद में डालूँगा, इसमें जस्ट आलू रह गए हैं। बॉयल होना स्टार्ट हो गया था, अब हम इसमें राइस डाल देंगे। ये राइस को पूरी तरह नहीं उबालना, इसको इतना उबालना है कि इसके अंदर 10% गुंजाइश रह जाए और वो जब हम दम लगाएंगे तब बनेगा, क्लियर होगा तब। इसको अच्छी तरह बॉईल नहीं करना, इसके अंदर 10% गुंजाइश रह जानी चाहिए। देख सकते हैं चिकन कुक हो गया और अब हम स्ट्रेनर से चिकन निकाल लेंगे और इसको प्लेट में रख देंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने मसाले से चिकन निकाल लिया, ये अच्छा फ्राई हो गया है। इससे होता ये है कि चिकन टेंडर रहता है और इसके साथ जो मसाला रहता है वो चिपका रहता है, उतरता नहीं है आगे जाके प्रोसेस में। अब हम इस बाकी मसाले में ये रिमेनिंग मसाला ऐड कर देंगे। अब इस मसाले को ओपन फ्लेम में अच्छी तरह फ्राई कर लें। अब ये चिकन मैंने प्लेट में निकाल लिया था, इसके साथ मसाले इंटैक्ट रहते हैं तो फ्लेवर्स भी साथ ही रहते हैं, ये फुली कुक चिकन है। जब तक ये मसाला रेडी हो रहा है इसको फुल फ्लेम में आप अच्छी तरह भून लें। जब तक ये रेडी हो रहा है तब तक हमारे राइस भी रेडी हो रहे हैं। फिर हम बिरयानी को असेंबल करेंगे और फिर दम देंगे। करने इसी स्टेज पे हम अपने ये टमाटर भी ऐड कर देंगे मसाले के अंदर। आपने टमाटर कभी भी पहले ऐड नहीं करने, उसकी वजह ये है कि टमाटर सारे डिज़ोल्व हो जाएंगे और सारे कुक हो जाएंगे और बड़ा गफ सा मसाला बनेगा। हमें ये ऐसे ही चाहिए, बाकी ये दम में पकेंगे। इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत लाजवाब होती है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा आगे। ये राइस काफ़ी हद तक हो गए हैं, इस स्टेज पर आके फ्लेम बंद कर दें और इनको 5 मिनट के लिए इसी तरह गर्म पानी के अंदर पड़ा रहने दें। चावल फुली कुक नहीं होगा, इसके अंदर 10% गुंजाइश रह जाएगी, लेकिन आप फ्लेम बंद कर दें। आप ये शक्ल देख सकते हैं, ये जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये फोकस हो गया, देखें। इस स्टेज पर आप फ्लेम बंद कर दें, उनको गर्म पानी में पड़ा रहने दें। तब तक ये मसाला हाई फ्लेम पर भुन रहा है। मैंने राइस स्ट्रेन कर लिए। अभी इसमें ऐसे हो जाएंगे, देखिए मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है और जो इसके ऊपर जितना एक्सेस ऑयल था वो मैंने सारा निकाल लिया है। बिरयानी की सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, अब हम बिरयानी को असेंबल करेंगे। ये मसाला था, ये फ्राइड चिकन है, ये ऊपर उसके ड्रेसिंग्स हैं, ये फूड कलर है और ये फ्राइड अनियंस हैं। अब हम बिरयानी को असेंबल करेंगे। राइस के ऊपर ये मसाला डाल देंगे और इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे। अब इसके ऊपर चिकन पीसेस रखेंगे फ्राइड। ये देखें ये फ्राइड चिकन पीसेस आ गए हैं। अब इसके ऊपर हम फ्राइड अनियंस डालेंगे। थोड़ा सा कोरिएंडर स्प्रिंकल कर देंगे पहले ताकि इसके फ्लेवर्स अंदर सील हो जाएं। अब इसके ऊपर और राइस डाल के स्प्रेड कर देंगे।
ये बकाया मसाला भी रिमेनिंग इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और फिर से दोबारा राइस सारे इसमें दोबारा से डाल के स्प्रेड कर देंगे। इसको थोड़ा सा प्रेस कर दें, राइस काफ़ी गर्म है, आप किसी चीज़ की हेल्प ले लें। इसको सील कर दें, अब इनके ऊपर ग्रीन चिलीज डाल दें और अगेन अनियंस फ्राई दोबारा से डाल दें, ये लेमन के पीसेस डाल दें और ये जो जर्दे का कलर था ये डाल दें। जर्दे का रंग डालने के बाद ये जो कढ़ाई से थोड़ा सा ऑयल बचा था ये स्प्रेड कर दें। अब इस पे पुदीना छिड़क दें, हरा धनिया चॉप हुआ हुआ ये भी इस पे छिड़क दें। अब हम इसको कवर करके दम लगाएंगे। ये असेंबल हो चुकी है, ये देखें ये डबल, ये रोटियों पर माल होता है, इसको डबल करके आप इसके ऊपर दम लगा दें और इसके ऊपर वज़न के लिए एक ईंट रख दें और इसको मैं आधा घंटा दम लगाऊंगा बहुत लाइट से फ्लेम के ऊपर। ये आप देख सकते हैं ये मैंने दम से बिरयानी निकाल ली है, ये आपके सामने है, खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा फिट आ रही है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके राइस देखें आप, परफेक्ट। मैंने आपसे पहले इतनी अच्छी बिरयानी कहीं बाहर से नहीं खाई और इतनी फिट खुशबू बिरयानी की अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप देखिए चिकन कितना टेंडर है, आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऑसम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी रेसिपी और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप टाइम पर देख सकें। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और थैंक यू सो मच आप सबका। अल्लाह हाफिज़।